हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जनरल नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दसवीं पास के लिए बड़ी वैकेंसीज आई है। 2410 टोटल पद हैं जिन पर भर्ती की जा रही है और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो LDC, MTO यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटर, जूनियर ऑपरेटर एंड एग्रीकल्चर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज हैं। 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 12/3/2021 है। इसके पहले इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था 2020 में, इसको रिवाइज किया गया है जिसमें वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं, पद बढ़ा दिए गए हैं। सो वो हम आगे नोटिफिकेशन में देखेंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, एक बार नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी या फिर आप ऑफिशियल साइट से भी इसको चेक कर सकते हैं। सो चलिए अब हम नोटिफिकेशन देखते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसीज देखेंगे। इसमें जो वैकेंसीज हैं, नेम ऑफ द पोस्ट ग्रुप सी नॉन गजटेड हैं, जिसमें से लॉ डिवीजन क्लर्क के लिए 1500 पद हैं, एग्रीकल्चर असिस्टेंट के लिए हैं यहाँ पर 22, एग्रीकल्चर असिस्टेंट TAFS ग्रेड थर्ड के लिए हैं 443, जूनियर ऑपरेटर के लिए हैं 236, जूनियर मल्टीटास्किंग ऑपरेटर के लिए हैं 209। इस तरह से टोटल वैकेंसीज हैं 2410। इसके पहले मैंने बताया जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज जो पद हैं बढ़ा दिए गए हैं। इसलिए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पे स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी 5700 स्टार्टिंग से 24000 पर मंथ तक रहेगी, ग्रेड पे 2100 से। और इसमें जो जो नेम ऑफ द पोस्ट ग्रुप सी नॉन गजटेड जो रहेंगी, लॉ डिवीजन क्लर्क, एग्रीकल्चर असिस्टेंट के लिए 2200 ग्रेड पे रहेगी। ओके, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। एन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स, भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और ये जो वैकेंसीज है वो आई है रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा, JRVT, जॉइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा। ओके, जिसमें यहाँ पर रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस एंड मैन पावर प्लानिंग। सो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई कर दीजिए। 10th पास मांगा गया है। लॉ डिवीजन क्लर्क में टाइपिंग भी मांगी गई है, जिसमें 25 वर्ड अगर जो सिलेक्शन बंगाली के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं, आप इसमें करना चाहते हैं, तो आपको बंगाली में टाइपिंग करनी होगी। अदरवाइज आप हिंदी, इंग्लिश में यहाँ पर मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट, एंड कंप्यूटर नॉलेज भी रखी गई है। सभी के लिए 10th पास है। और कुछ जैसे कि जूनियर मल्टीटास्किंग ऑपरेटर में यहाँ पर आप देख रहे हैं, माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। इसके अलावा इसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है, NCVT इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड, वेल्डर, प्लम्बर, टर्नर, फिटर एंड मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम। सो यहाँ पर आप देख लेंगे वायरमैन, इलेक्ट्रीसियन। एज लिमिट 18 से 41 साल है, अपर एज लिमिट है। जो रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तब आपको जनरल कैटेगरीज में ही रखा जाएगा। ओके, सो आपको वहाँ पर रिजर्व जो भी रिजर्वेशन दिए जाएंगे वो नहीं दिए जाएंगे, आप जनरल कैटेगरी में रहेंगे। अगर आप स्टेट से, त्रिपुरा से ही बिलोंग करेंगे तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है 300 एंड 200 रुपये है SC ST कैंडिडेट के लिए। PWD के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। डेट अभी नहीं आई है रिटर्न एग्जामिनेशन की, जिसमें आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश या फिर बंगाली दिया गया है, जिसके 40 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। यहाँ पर आप पूरा देख लेंगे, चेक कर लेंगे। 30 मार्क्स का टोटल, सॉरी 100 और ये टोटल मिलाकर के 200 का आपका जो मार्क होंगे आपके इसमें एग्जाम का, और 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल साइट पर जाकर के, www.employment.tripura.gov.in पर जाकर के कर सकते हैं, या फिर jrvttripura.com पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डेट देख लेंगे। यहाँ पर जो डेट दी गई है आप देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 12/3/2021। एडमिट कार्ड डाउनलोड विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन। सो यहाँ पर अभी जो भी एग्जाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में नहीं बताया गया है। डेट यहाँ पर है एप्लीकेशन की 12/3/2021। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार फुल नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लीजिएगा, तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।